जल संकट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। दिल्ली जल संकट के बीच पानी चोरी रोकने के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और इन सब के बीच जनता परेशान है। चिलचिलाती गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे दिल्ली वासियों का पारा चढ़ गया है। दिल्ली में पानी पर सियासी जंग, पाइपलाइन पर पुलिस की पहरेदारी, प्यासी दिल्ली पर लड़ाई हुई सियासी। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली और हरियाणा सरकार में पानी के संबंध में खींचतान जारी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने रविवार को दिल्ली में पेयजल पाइपलाइन काटे जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पाइपलाइन पर पुलिस का पहरा है। पुलिस अधिकारियों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइनों का निरीक्षण किया। पाइपलाइन का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने कहा, यहाँ कोई रिसाव नहीं है, यदि कोई रिसाव है तो हम जल बोर्ड और हमारे नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे। ये जल बोर्ड के जो पानी की जो पाइपलाइन जा रही है, इसको हम प्रॉपर पेट्रोलिंग के थ्रू देखते रहते हैं, कोई लीकेज ना कर दे, किसी प्रकार कोई इसमें डिफेक्ट ना आ जाए। तो अभी सर आपने देखा कहीं कुछ ऐसा कुछ? नहीं, अभी ऐसा बराबर हम देखते रहते हैं, ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी सेफ है दोनों लाइन, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। कोई भी आता है तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं कंसर्न अथॉरिटी को। चिलचिलाती गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे दिल्ली वासियों का पारा चढ़ गया है। पानी नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टैंकरों के जरिए पानी की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, पर जमीनी तस्वीर बिल्कुल अलग है। शुद्ध पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा, गर्मी भीषण है और पानी की किल्लत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दूसरी ओर जल संकट पर सियासत भी जोरों पर हो रही है। जल संकट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल सरकार का वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, टैंकर माफिया हावी है और इसलिए दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। और सोमवार को भी बीजेपी का हल्ला बोल जारी रहा। सांसदों और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आप पानी दे नहीं सकते और आप लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, इतनी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप यहाँ दुकानदारों से पूछिए उनको पानी आता है नहीं आता। अभी बहुत सारी महिलाएं आपको मिली होंगी, उन महिलाओं से पूछिए आप। ये लड़ाई अंतिम लड़ाई, जब तक घर घर में पानी नहीं मिलेगा, नल से जल नहीं मिलेगा, जो कि केजरीवाल। दिल्ली में जल संकट के बीच पानी चोरी रोकने के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। प्रमुख पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। दरअसल दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने पत्र में लिखा था कि मैं अगले 15 दिन के लिए हमारी प्रमुख पाइपलाइनों पर गश्त और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती का अनुरोध करने के लिए ये पत्र लिख रही हूँ, ताकि शरारती तत्वों या गलत इरादे वाले लोगों को पानी की पाइपलाइन से छेड़छाड़ करने से रोका जा सके। इस समय किसी भी बेईमानी और तोड़फोड़ से मौजूदा पानी की कमी और भी बदतर हो जाएगी। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना, और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। दिल्ली में इस समय पारा काफी हाई है, इसी वजह से पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और भूजल का स्तर भी काफी नीचे हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली के ट्यूबवेल और रेनी कुएं, आसपास की नदियां सूख गई हैं। इसके अलावा जल प्रदूषण भी एक बड़ी वजह है। नदियों, झीलों और दूसरे जल स्रोतों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से पानी पीने लायक नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है और दिल्ली जल बोर्ड केवल 1000 MGD पानी ही उपलब्ध करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की रिपोर्ट।